Shabash, shabash, shabash. बहुत बढ़िया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल सेंटर के बारे में। और कौन से फिजिकल सेंटर के बारे में? तो STC BSF जोधपुर के बारे में सेंटर रिव्यू आज हम लोग करने वाले हैं। इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि आपका फिजिकल किस तरह से चल रहा है, टेस्ट किस तरह से हो रहा है, सारा कुछ आपको जोधपुर फिजिकल सेंटर के बारे में आपको सारा कुछ बताएंगे। और ये अपडेट देंगे कि 19 जुलाई 2022 को किस तरह से फिजिकल हुआ है और कितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं ट्रेड में। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं सोनू पाल, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट फर्स्ट पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों देखिए, हम लोग ये जो अपडेट निकल के आ रहा है, इससे पहले भी हम कई सेंटरों का अपडेट दे चुके हैं, चाहे वो मथुरा का हो, चाहे वो हिसार का हो, हरियाणा का हो, और चाहे वो मीरू कैंप हजारीबाग का हो। और ये चौथा एग्जाम जो सेंटर रिव्यू कर रहे हैं हम लोग, वो हो गया आपका STC BSF जोधपुर के बारे में। तो दोस्तों देखिए, इसके बारे में कुछ नोट्स भी है मेरे पास, जो बच्चों ने बताया है वो हम आपको आपसे हम आज साझा करेंगे। उससे पहले वीडियो स्टार्ट करें पहले उससे पहले दोस्तों आप लोग से एक जरूर से निवेदन होगा कि अगर आप भी अगर फिजिकल दे के आ गए हैं या फिर आने वाले समय में आपका फिजिकल है, तो आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपका फिजिकल कब है। और जो भी बच्चे फिजिकल देकर आ गए हैं, चाहे वो जिस भी सेंटर से हों, वो एक बार जरूर हमसे कॉन्टैक्ट करने का कोशिश करें। नीचे आप अपना लिख दें कि आपका फिजिकल कब हुआ था, आपको हम वहाँ पर अपना नंबर सेंड कर देंगे। तो दोस्तों देखिए, जो आप लोगों का अपडेट जो मिलने वाला है वो 19 जुलाई का है अपडेट, कि कितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं। क्योंकि देखिए, फिजिकल और ट्रेड टेस्ट होने में शाम हो जा रहा है, तो बच्चे उस दिन कॉल नहीं कर पा रहे हैं, उसके अगले दिन हमें कॉल कर रहे हैं, और उसके हम अगले दिन अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं, यानी कि 20 तारीख को अभी हम बता रहे हैं आप लोगों को। एक दिन लेट से हम लोग चल रहे हैं, कोई बात नहीं है, आपको अपडेट से मतलब है, अपडेट आपको एकदम बिल्कुल सटीक मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोग एंट्री कब हो रहा है। एंट्री सभी का 5 बजे स्टार्ट हो जा रहा है, और सभी लोग अब चाहे जिस भी सेंटर पर हों, सभी लोग 1 घंटे पहले पहुँच जा रहे हैं। एक घंटे पहले पहुंचने का मतलब है 1 या 1.5 घंटे पहले आप पहुंच जाइए। अगर आप पहले पहुंचेंगे तो आपको फर्स्ट बैच में रनिंग करने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों, आप कोशिश जितना कोशिश कीजिए कि आप फर्स्ट बैच में रनिंग कर सकें। और देखिए, बैच के बारे में बता दें आप लोगों को हम, तो बैच जो है कि आप लोगों का 50-50, 60-60 करके बनाया जा रहा है। जितने बच्चे पहुंच रहे हैं, 200 बच्चों को बुलाया जा रहा है जोधपुर में। जो 200 बच्चों को बुलाया गया था, उसमें हाइट में कुछ लोग, बहुत सारे बच्चे छट जाते हैं। उसके बाद जितने कैंडिडेट बचते हैं उनको 3 ग्रुप में बांट दिया जाता है, 60-60 का ग्रुप, जहाँ 180 बच्चे हुए तो 60 का ग्रुप, और 150 बच्चे हुए हैं तो 50-50 का ग्रुप बनाएगा, 3 ग्रुप को बनाया जाता है। उसमें से देखिए, 50 ग्रुप में से आप लोगों का सिलेक्शन कितना हो रहा है, तो 50 का ग्रुप बनाया जा रहा है, उसमें से सिलेक्शन लगभग 33 से 35 बच्चे का रेशियो है, आप लोगों का सिलेक्शन रेट है। फिजिकल में जो फिजिकल क्वालिफाई कर रहे हैं वो 50 में से 33 से 35 बच्चे जो है कि क्वालिफाई कर रहे हैं। ये हम अब जोधपुर सेंटर के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। और देख लीजिए, हम लोग आप लोग बहुत सारे पूछ रहे होंगे ट्रैक के बारे में, ठीक है। तो ट्रैक किस तरह से है वहाँ पे, तो देखिए ट्रैक के बारे में क्लियर डाटा नहीं है मेरे पास, लेकिन आपको एक चीज़ हम जरूर बताएंगे ट्रैक में, कि ट्रैक में जो आप लोग का एक राउंड आप लोग का लिया जा रहा है, शायद से एक राउंड आप लोग का लिया जा रहा है। अगर आपने जोधपुर का फिजिकल दे दिया है, तो आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि क्या सही हम बता रहे हैं या गलत। जो भी बच्चे ने बताया है उसके आधार पर हम बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक राउंड आप लोग को लिया जा रहा है, एक बार टोकन दिया जा रहा है, फिर से दूसरा राउंड आप लोग को लिया जा रहा है। और जो ट्रैक है आप लोगों का, आपको ट्रैक में हर जगह आपको सब तरह का रोड मिल रहा है, रोड भी मिल रहा है, और किसी जगह पर रोड भी मिल रहा है। आपको एक छोटा सा क्लिप भी आप देखे होंगे, जोधपुर सेंटर का ही है वो, वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको रोड भी मिल रहा है वहाँ पे रनिंग के लिए, और कुछ दूर जाने के बाद आप लोगों को मिट्टी का भी जो ट्रैक है वो मिल रहा है। और किसी जगह है कि थोड़ा सा रोड जो है वो ख़राब भी है। तो हर तरह का रोड आपको, हर तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है, और हर तरह का आपको सिचुएशन से आपको होकर गुजरना पड़ेगा। और एक बात और आप लोग कहेंगे, अगर आपका भी फिजिकल है तो आप अगर किसी भी सेंटर पर, चाहे वो जोधपुर नहीं, चाहे वो किसी भी सेंटर पर आप जा रहे हैं ना, तो आप अपना खाली पैर रनिंग नहीं कीजिएगा, क्योंकि रोड पर रनिंग होगा या फिर मिट्टी पर रनिंग होगा, तो आप लोग को खाली पर रनिंग करने से कुछ पैर में गड़ सकता है, रोड पर अगर दौड़ेंगे तो पैर छिल भी सकता है। तो इसलिए अपना सेफ्टी पहले रखेंगे, और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग कि रनिंग जो है वो शूज़ पहन के ही करें। देख लीजिए, यहाँ पे आप लोगों को रोड पे भी मिलेगा, कुछ दूर रोड मिलेगा, फिर कुछ दूर आप लोगों को मिट्टी मिलेगा, और कुछ दूर थोड़ा ख़राब रोड भी मिलने वाला है। तो 3 तरह का आप लोगों का जोधपुर में जो सेंटर है, 3 तरह का आपको ट्रैक इस तरह का मिलने वाला है। उसके बाद आप लोगों को दोस्तों बता दें कि 50 में से 33 से 35 बच्चे, रेशियो बता रहे हैं कि 35 से 33 बच्चे आप लोगों को क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है।
लगभग 70% से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई कर 70% बच्चे जो है कि क्वालिफाई कर रहे हैं फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद भी आप लोग का हाइट वेट चेस्ट नापा जाता है। तो हाइट वेट चेस्ट में बिल्कुल नॉर्मल सा नापा जा रहा है, अगर आपका 167.5 है तो आपका बिल्कुल उतना ही नापा जाएगा, कम नहीं नापा जा रहा है। और चेस्ट की बात करें तो चेस्ट भी अच्छे से नापा जा रहा है और निप्पल के नीचे हल्का सा नीचे से आप लोगों को नापा जा रहा है जैसा कि उन्होंने बताया। और अगर चेस्ट में अगर आपका किसी तरह से कोई दिक्कत हो जाता है, 1 सेंटीमीटर कम होता है, तो आपको थोड़ा सा टाइम भी दे दिया जा रहा है पुशअप मारने के लिए, ठीक है। और हाँ, और डॉक्यूमेंट्स के बारे में लोग पूछ रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स में आपको पता है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको हम वीडियो बना चुके हैं, आप उसको जाके देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें एक चीज़ छूट गया था कि कास्ट जो सर्टिफिकेट है, जिस किसी का भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का होना चाहिए। सेंट्रल का अगर नहीं होता है तो आपको दिक्कत कर सकते हैं किसी किसी सेंटर पर, ठीक है। देखिए, और आप लोग आज हम जो ट्रेड के बारे में बात करेंगे, जो दो ट्रेड के बारे में बात करेंगे, कुक और वाटर कैरियर के बारे में आपको अभी हम बता देते हैं, क्योंकि कुक जो भी कैंडिडेट अभी दे के आए थे उन्होंने कुक का फॉर्म फिलअप किया हुआ था, तो कुक का ट्रेड में वो पार्टिसिपेट किए थे। तो देखिए, अब हम आपको बता देते हैं, और अगर आपने ITI से फॉर्म भरा था तो आप अपना ITI वाला सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, या फिर 12th से भर रहे हैं तो 12th वाला लेकर जाएंगे। सर्टिफिकेट में किसी तरह कोई दिक्कत नहीं, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लेके जाना उसको आप देख लीजिएगा एक बारी। उसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं कुक ट्रेड के लिए, कुक और वाटर के लिए, ठीक है। दो ट्रेड के बारे में बता रहे हैं क्योंकि दोनों ट्रेड बिल्कुल सेम जैसा हो रहा है, यहाँ जोधपुर में दोनों से सेम काम करवाया जा रहा है, सेम तरह से प्रोसेस पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या पूछा जा रहा है आप लोगों को, क्या करवाया जा रहा है, ये आपको अब देख लीजिए, जो भी कुक ट्रेड से हैं और वाटर कैरियर से हैं। अभी इसी में हम आपको अब सफाई वाले के स्वीपर के बारे में भी आपको हम बता देंगे, क्योंकि तीनों का ट्रेड जो चल रहा है एक ही साथ चल रहा है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए जो कुक और वाटर कैरियर के हैं उनसे क्या सवाल किया गया है, उनको सबसे पहले किसी ग्रुप बनाया जा रहा है। पहले 15 बच्चों का ग्रुप बनाया जा रहा है, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका 15 बच्चों का ग्रुप बनाया जा रहा है। उसमें से सिलेक्शन जो हो रहा है वो करीब 10 से 12 लोगों का सिलेक्शन किया जा रहा है। इसमें 10 से 12 लोगों का सिलेक्शन किया जा रहा है, बिल्कुल नॉर्मल सा आप लोगों का ट्रेड टेस्ट दिया जा रहा है। इसमें आपको क्या करने के लिए कहा गया था, जो कैंडिडेट जो थे उनसे क्या करने को कहा गया था, उनसे आटा गुनने को कहा गया था, आटा सानने को कहा गया था। फिर और भी जो ग्रुप में कैंडिडेट रहेंगे, जो भी बच्चे रहेंगे, उनको आटा सानने के कह दिया गया था, और किसी और को कह दिया गया उसी आटे से आप रोटी बनाने के लिए। फिर और भी कैंडिडेट जो भी रहेंगे उनको अलग अलग काम करके दिया जा रहा था, मतलब कि एक ग्रुप को 15 से 20 मिनट का समय आप लोगों को मिल रहा था। ये जो ग्रुप है इसमें आपको 15 से 20 मिनट का समय मिल रहा था आप लोगों को, जो 15 से 20 मिनट का समय दिया जा रहा था इसमें आप लोगों को आटा गूंदने दे दिया जा रहा था। किसी को आटा गूंदने दे दिया जा रहा है, किसी को रोटी बनाने के लिए दे दिया जा रहा है, तो किसी को लोहिया, जो लोई होता है उसको बनाने के लिए दे दिया जा रहा था। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम हो रहा है। उसके बाद आप लोगों को मसालों के नाम पूछ रहे हैं वहाँ पे, कि मसाले किस तरह, कहाँ कहाँ पे मसाले कौन कौन से यूज होते हैं, ये पूछा गया था। और इनसे एक और क्वेश्चन सवाल पूछा गया था, अगर आपको नॉनवेज बनाना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, नहीं बनाते हैं, तो दिक्कत होगा आपको। नॉनवेज के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आप ट्रेडमेंट में भर्ती होने जा रहे हैं, तो आपको नॉनवेज सारा चीज़ आपको बनाना आना चाहिए। तो नॉनवेज के बारे में इनसे सवाल किया गया था कि नॉनवेज किस तरह से बनाते हैं। रेशियो पूछा गया था कि अगर 5 आदमी हैं तो उसका कितना, किस तरह से आप नॉनवेज बनाएंगे, कितना आप मीट लेंगे और कितना मसाले वहाँ पे डालेंगे, कितना नमक डालेंगे, ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। और मसालों के बारे में आपको बिल्कुल ज्ञान होना चाहिए, वहाँ पे आपसे पूछ लेंगे कौन कौन से मसाले आप डालेंगे उसमें, या फिर आप लोग से वहाँ पूछ लिया जाएगा, वहाँ पे सामान रखा हुआ भी है कि वहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा मसाला क्या है, ठीक है। तो ये सब मसालों का ज्ञान आपको बिल्कुल होना चाहिए। और आपको ये जो अभी बताया कैंडिडेट, ये कह रहे हैं कि अगर ट्रेड टेस्ट आपको पास करना है तो रोटी आपको आना चाहिए बनाने के लिए। अगर रोटी अगर आपको आता है बनाने के लिए तो 70% जो है कि आप ट्रेड टेस्ट पास कर जाएंगे, 70% काम है जो आपका क्लियर हो जाएगा। रोटी के मेकिंग के बारे में भी पूछ लेंगे, या फिर बनाने के लिए भी दे देंगे। रोटी किसी को बेलने के लिए दे देंगे, किसी को आटा गूंदने के लिए दे देंगे, किसी को रोटी सेकने के लिए दे देंगे। तो रोटी का अगर प्रोसेस आपको पूरा पता है तो आप 70% काम जो है आपका क्लियर है ट्रेड टेस्ट में। वाटर कैरियर वाला को भी बता रहे हैं, वाटर कैरियर का भी इसी तरह दिया जा रहा है। और सब्जी काटने के लिए दिया जा रहा है, सब्जी काटने के लिए किसी को दे दिया जा रहा है, किसी को सवाल पूछ लिया जा रहा है कि कटिंग किस तरह से होता है, कितनी तरह कटिंग होता है, ये सवाल पूछ लिया जा रहा था। और दाल कितने टाइप के होते हैं, चार प्रकार के दाल के टाइप उनको पूछा गया था, कौन कौन से दाल होते हैं, ये सब आप लोगों से पूछा जा रहा है, ओरली पूछा जा रहा है। ज़्यादातर जो ट्रेड टेस्ट हो रहा है वो ओरली अभी हो रहा है, ठीक है। और आगे वाले समय में जिस तरह से अपडेट होगा, जो भी अपडेट होगा, जिस तरह से ट्रेड टेस्ट होगा, उसको आगे वाले समय में आप लोगों को हम बताएंगे। तो इसलिए दोस्तों, जब भी आपका फिजिकल है आप प्रिपेयर रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को BSF ट्रेडमेंट के बारे में आप लोगों को मिलने वाली है। देखिए दोस्तों,
और कहीं कहीं पे हो रहा है कि ट्रेड टेस्ट जो है, देखिए फर्स्ट बैच में आपको रनिंग इसलिए करने के लिए बोल रहे थे, फर्स्ट बैच में रनिंग आप इसलिए कीजिए क्योंकि जो भी बच्चे फर्स्ट बैच में रनिंग कर रहे थे, फर्स्ट सेकंड बैच में रनिंग कर रहे हैं, उन लोगों का ट्रेड टेस्ट हो जा रहा है, और जो लास्ट वाले बैच में रनिंग किए हैं उन लोगों का ट्रेड टेस्ट अगले दिन हुआ है। ट्रेड टेस्ट जो है कि दो बैच का ट्रेड टेस्ट एक ही दिन उसी दिन हो गया था, सेम डे में हो गया था, रिजल्ट भी सुना दिया गया, और जो बच्चे बच गए थे उनका जो फिजिकल लेट से जिनका हुआ उनका ट्रेड टेस्ट अगले दिन बुलाया गया उन लोगों को, तो अब उनको अगले दिन जाना पड़ेगा। तो इसलिए आप कोशिश ज़रूर कीजिए कि आप जितना जल्दी हो सके सेंटर पर आप पहुँच जाइए और जितना जल्दी हो सके आप फिजिकल के लिए रेडी हो जाइए, फर्स्ट बैच में रनिंग करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि रेशियो भी जो है ना फर्स्ट बैच का रनिंग का रेशियो जो है फिजिकल क्वालिफाई करने का रेशियो वो काफ़ी अच्छा है, उसके बाद धीरे धीरे कम होता जाता है। तो ये सब आप अपना ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं सफाई वाले के बारे में। सफाई वाले के बारे में उन्होंने बताया है स्वीपर जो है, जो भी कैंडिडेट स्वीपर से हैं और तो वो सुन लिए, तो यहाँ पे पूछा, सबसे मेनली चीज़ पूछा जा रहा है कि सफाई कहाँ से शुरू करना है आपको, ऊपर से करना है या फिर फर्श से करना है, इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सफाई वाले में कि आपको सफाई जो करना है तो कहाँ से करना है, ऊपर से करना है या फिर फर्श से करना है, और कुछ केमिकल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि ये केमिकल कहाँ पे यूज़ आता है, केमिकल को पहचानने आपका आना चाहिए, ये एसिड है, और भी जो साफ़ करने का केमिकल आता है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, और डस्टबिन के बारे में खास तौर पे आपसे पूछा जा रहा है, डस्टबिन के बारे में आपसे आपके पास जानकारी होना चाहिए कि डस्टबिन कहाँ पे होना चाहिए, किस तरह का डस्टबिन होना चाहिए, ये सब के बारे में पूछ रहे हैं, और झाड़ू के बारे में पूछ ले रहे हैं कि झाड़ू किस तरह से होता है, कितने टाइप का होता है। तो ये सब जो है स्वीपर में सवाल पूछे गए थे, और ये वाटर कैरियर में कुछ सवाल पूछे गए थे। तो ये तीन ट्रेड के बारे में जानकारी मिला था एसटीसी बीएसएफ जोधपुर के बारे में। तो यहाँ से आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिला वो आपसे हम साझा किए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें दोस्तों, और जितने भी कैंडिडेट हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचाते हैं जो भी बीएसएफ का ट्रेड्समैन का फिजिकल देने जाने वाले हैं। और दोस्तों आप लोग से एक जरूर और भी निवेदन होगा कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि आपका फिजिकल कब है और कहां पे है। अगर आपका फिजिकल हो गया है फिर भी आप कमेंट करें कि आपका फिजिकल कितने तारीख को था। अगर जिनका फिजिकल हो गया होगा उनसे हम जरूर बात करेंगे, अगर आपके परमिशन से ही आपका कॉल रिकॉर्ड करेंगे, आप अगर बोलेंगे तो कॉल रिकॉर्ड भी हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे अगर वो कैंडिडेट चाहेंगे तो, क्योंकि ये कैंडिडेट जो थे ये कॉल रिकॉर्डिंग बोले थे अलाउ नहीं करने के लिए, मत दीजिएगा वीडियो में, तो इसलिए हम इनका कॉल रिकॉर्डिंग हम आप लोगों को नहीं दे रहे हैं। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों फिर से कहेंगे कि वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और आगे आने वाले समय में दोस्तों हर कोशिश जितना रहेगा मेरा कि सभी सेंटरों का हम रिव्यू, सेंटर रिव्यू हम कर सकें। तो मिलते हैं अब हम लोग अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए।